बाबा बालकनाथ मंदिर ड्योढ़सी न्यास द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 5 करोड़ की सहयोग राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक व मंदिर ट्रस्टी बलदेव शर्मा ने न्यासियों के साथ चर्चा कर ये निर्णय लिया। बलदेव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा गरीबों व जरूरतमंदों की हर संभव सहायता भी की जा रही है। अस्पताल में सुविधाएं मुहैया करवाने के अलावा सैनिटाइजर, मास्क व अन्य सामान खरीदने में काफी खर्च हो रहा है। इस संकट की घड़ी में प्रदेश के जहां अन्य मंदिरों ने सहयोग दिया है, वहीं ड्योढ़सिद्ध न्यास पीछे नहीं रह सकता है। उन्होंने बताया कि मंदिर न्यासियों, ट्रस्ट चेयरमैन और ट्रस्ट आयुक्त से चर्चा के बाद सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5 करोड़ की राशि देने का फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि मंदिर न्यास इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ खड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के सभी मंदिरों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में कुछ न कुछ पैसा दिया है। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम बाबा बालकनाथ मंदिर जो ट्रस्ट है, हम भी पीछे क्यों रहे, तो मैंने सभी मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनसे बात कर और आम राय सहमति बनाकर हमने फैसला लिया कि मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपया हम भी ट्रस्ट के माध्यम से देंगे, ताकि जरूरतमंद लोगों को, चाहे राशन देने की बात हो, मास्क देने की बात हो, दवाई देने की बात हो, उसमें सरकार को इसका कोई ना कोई लाभ मिलेगा और जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा होगा। ये हमने आम सहमति से बाबा बालकनाथ ट्रस्ट के फैसला लिया, ताकि मुख्यमंत्री राहत कोष में आज हमारे कुछ ट्रस्टी ये पैसा लेके मुख्यमंत्री जी को चेक देना जा भी रहे हैं और इसका आने वाले समय में भी लोगों को, जनता को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।